तो बहुत ज्यादा शैतान है अभी से ज्यादा, बहुत ज्यादा टाटा टू 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 कर रहा है, मतलब हलचल ज्यादा कर रहा है। कासू तो बहुत शांत है, हमारा व्लॉग देख रहे हैं, अपना लंच एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, आलू मूली की खिचड़ी को याद कर रहे होंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कुकरेदी फैमिली का एक और नया व्लॉग आ गया है आप लोगों के लिए। तो आज हम जा रहे हैं डॉक्टर विजिट के लिए। जैसे कि आपने देखा था कि लास्ट हमारा जो व्लॉग था वो अल्ट्रासाउंड था, मतलब लेवल 2 वाला अल्ट्रासाउंड हुआ था मेरा, और अब हम उस रिपोर्ट को दिखाने जा रहे हैं डॉक्टर के पास, जो मेरी गायनो है उनसे कंसल्ट करने जा रहे हैं। तो अभी मैं, पता है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रही थी तो तभी मुझे ना काशी की भी फाइल दिख गई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है दो फाइल्स, जिसमें ये काशी की है पहली वाली फाइल, तो देखो कितनी पूरी भरी हुई है, सारे अल्ट्रासाउंड, सारे पेपर्स वगैरह इसमें रखे हुए हैं, हॉस्पिटल के डिस्चार्ज वगैरह सब इसमें है। और ये है अब वाली छोटू की, टूटू की फाइल। तो अभी मैंने नॉर्मल फाइल बना रखी है, पर मैंने सोचा है जब डिलीवरी हो जाएगी तब मैं एक बड़ी फाइल रखूँगी, और कासू का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, टूटू का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, ऐसे करके एक बड़ी फाइल बनाऊँगी। तो मुझे ना ये फाइल के अंदर ये मिला, ये मैंने काशी के टाइम पर लिया था, आपको याद है? हाँ, मुझे हाँ, तो मैंने तब से यूज ही नहीं मेरे किया। मेरे साथ तो लिया था, मुझे याद नहीं हुआ क्या? हाँ, आपके साथ। तो मैं सोच रही हूँ ना, इसमें एक अभी कासू के उसमें लगा दूँ, एक अपने टूटू के उसमें लगा दूँ। तो टूटू तो बहुत ज्यादा शैतान है अभी से ज्यादा, बहुत ज्यादा टाटा टूटू वो कर रहा है, मतलब हलचल ज्यादा कर रहा है। कासू तो बहुत शांत थी, तो मैं टूटू का ये लगा रहा हूँ, शैतान वाला फेस। तो ये गया टूटू का शैतान वाला फेस। मेरा कासू तो बहुत शांत है, कासू की शांति के लिए लवली वाला लगाऊंगा, लवली लगा दिया। एक तुम्हारे पे पावर होगा। बता, मैं बोलने वाला था ये तुम्हारे पे तो कौन सा चिपकाऊंगी मैं। ये हमेशा अपने 32 के 32 दांत दिखाते रहते हैं मेरी तरह, तो ये इनका वाला है। एक और नहीं आता दोस्तों, जिसके यहाँ पे जो बहुत तेज हंसता है, यहाँ पे आता है तो पता नहीं ड्रॉप्स होती है क्या होती है, वो है नहीं इसमें, तो वो वाला मैं सोच रही थी, पर उनके लिए ये वाला। मेरे लिए भी चूज करो, तुम्हारे लिए, सीमा के लिए ये वाला, क्योंकि जब ये हंसे ना तब ये चाइनीज हो जाती है पूरी पूरी इसकी, वैसे इसकी आंखें छोटी हैं, पूरी आंखें बंद हो जाती हैं इसकी। कासू की आंखें तो नहीं है छोटी, कासू मेरे पे गई है ना उसकी। चलो, इस टाइम पता दोस्तों यही होता है कि बेबी कैसा दिखेगा, किस पे जाएगा, तो मतलब वही सब कुछ चलता रहता है। तो कल जब लेवल 2 हुआ था ना, तो उसमें बेबी का फेस भी दिख रहा था, तो हम तो अभी अनुमान लगा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा काशी जैसा ही दिख रहा है, देखो क्या होता है आगे। हो गई सीमा चालू, आई थी करवाने के अल्ट्रासाउंड, नहीं अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखवाने आई थी, और लेडीज आ रही है यहाँ पे, वो इसीलिए घबराहट हो रहा है, और वो इसीलिए क्योंकि ना जो नाश्ता बनता है घर में थोड़ा लेट बनता है, और इस टाइम मेरे ख्याल से 10:30 हो रही है। हाँ नहीं, इस टाइम 9:30 बज रहे हैं, हम 9 बजे घर से निकल गए थे, 9:30 मुझे मिला 10 बजे, तो इसीलिए नाश्ता करा नहीं था, और सीमा को घबराहट। और हमेशा जब भी हम आते हैं ना, तो हम छोले कुलचे खाते थे हमेशा, हमारा ये है कि छोले कुलचे खाने खाने होते हैं, तो आज छोले कुलचे ना खा के हम ये खा रहे हैं पेटीज, तो बस खाते हैं पेटीज फिर चलते हैं डॉक्टर के पास। आजकल ना सीमा बहुत ज्यादा भुक्कड़ हो गई है, बहुत भूख लग रही है इसको। तो सैंडविच तो खा लिया था, नहीं पहले खाया था पेटीज, तो उसके बाद कह रही है चलो सैंडविच ही खा लेते हैं। मैंने इंसिस्ट किया था उसको, ये तो मना कर रही थी, मैंने ही किया था इसको, अभी शरम आती है बीवी खाने में बाहर, शरम नहीं खा तो लेती है, लेकिन बोलने में आती है कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, बोलना पड़ता है इसको। कह रही मैं पहले भी ऐसी थी, मैं अभी ऐसी, तो मैं कहता हूँ उसको कि यार अब क्यों है, पहले थी जो थी, लेकिन अब तो यार जब शादी वादी हो गई है तो जो मन करे वो खाना चाहिए, और क्या पता नहीं मेरे से क्या शर्म है, तो बस खाओ। अब तो हो चुकी है दिन, और दिन में बन रही है खिचड़ी, आलू गोभी की, आलू मूली की। अच्छा, तुमने तो खाना नहीं, इसलिए गोभी बना दो उसको। क्या 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 पहले आना होता है, फिर आगे संतरे के लिए वो सुई सुई सुन रहा। क्या चाहिए, क्या चाहिए, ऑरेंज वो तो खा लिए,
प्लेट मांग रही है, प्लेट ले छील के खिलाएंगे। ले बच्चा, दादू खिलाएंगे छील छील के। जा पापा, इसको छील छील के दे देना, अगर खाएगी तो खाती है वैसे तो। ले 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 जाओ सही में बैठ के खा दो। दोस्तों होप आप लोग भी अपना इस टाइम आप हमारा व्लॉग देख रहे हैं, अपना लंच एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, आलू मूली की खिचड़ी को याद कर रहे होंगे। बहुत अच्छी लगती है आलू मूली की खिचड़ी वैसे तो। ये बात सही है, तुम नहीं खा रहे ना सर आज तो। हाँ, क्योंकि हाँ। ये पता है क्या करते हैं, जिस दिन उनका मतलब पेट अपसेट होता है ना, या फिर ज्यादा लगता है इन्होंने कि एक्स्ट्रा खा लिया है, तो ये एक टाइम का मील स्किप कर देता है। सबसे बढ़िया है वो, तो जैसे इन्होंने सुबह नाश्ता किया तो दिन का नहीं खाते, फिर रात को खा लिए। इनका चलता रहता है ऐसे, हर 4-5 दिन में होता रहता है। ये बन गई सीमा यहाँ पे, अल्लाह रखा। आज तो सर में दर्द हो रहा है बहुत, तो लगा देती हूँ ताकि हवा हवा ना लगे। और दोस्तों तो यहाँ पे मैंने चला रखा है मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो कि मैच न्यूजीलैंड में हो रहे हैं। ये जो मैच है ना दोस्तों, ये टीवी पे नहीं आ रहा अभी किसी भी चैनल पे। आई थिंक डीडी स्पोर्ट्स पे आ रहा है, डीडी स्पोर्ट्स 1 पे आ रहा है, तो वो चैनल नहीं आ रहा है, तो फिर प्राइम पे आ रही है मैच। प्राइम तो प्राइम पे आ रहा है मैच अभी, अमेज़न प्राइम पे, तो वही उसी में देख रहा हूँ। चलिए दोस्तों आ जा, कहाँ से जरा, हाँ 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 आ जा, आ जा मेरे बच्चा, हाँ हाँ मैं दूंगा, आज मैं दूंगा, आ जा रो मत मेरे बच्चा, हाँ मैं दूंगा, आ जा। तो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं बच्चे जूस को, और कासू ऐसी करती है, पिएगी फिर नन्नू को पिलाएगी, फिर खुद पिएगी फिर नन्नू को पिलाएगी, मतलब एक एक सिप करते रहते हैं ये। अच्छा दोबारा लेके आई जूस अंदर से, ये दोबारा लेके आई है। हे भगवान, एक घूट खुद पी रही है, एक घूट उसको पिला रही है, स्ट्रॉ ले रखी है उसने साथ में, पापा को नहीं पूछ रही है। ये ऐसे आराम फरमा के नमकीन खा रही है, अंदर वाले भी टांग के ऊपर टांग रख के, रख दे रख दे टांग रख दे ऊपर, अच्छी लगती है। हां भुजिया फेवरेट है उसकी, भुजिया वो क्या बोलते हैं उसको, मूंग दाल, मूंग दाल हटा दे रही है जल्दी, तुम जैसे खास स्टाइल से रही है, खा ले खा ले। रेडी स्टडी 1 2 3 गो, भागो अरे वारे 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 वाह, वेरी गुड, रेडी स्टडी 1 2 3 गो, भागो। दोनों हाथ पकड़ के भाग रही है, गिर जाए, कहाँ से गिर जाएगी, गिर जाएगी। तो पहाड़ी गाने सुनते सुनते पहाड़ी लड़की घर वालों के लिए खाना बनाती है, है ना। अच्छा बोला मैंने ना, कभी कभी अच्छी बात कर लेता हूँ मैं, सही बात। तो आज बना है दोस्तों हम सभी का फेवरेट, ये क्या है, चने छोले। अच्छा ये वो है छोले, कुलचे वाले छोले ना, सफेद छोले या मटर वाले, मटर मटर, अच्छा मटर वाले से। ओके, और ये बना है रोटी सब्जी है, और साथ में बना है ऑमलेट। तो बस दोस्तों खाते हैं और उसके बाद करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। और ये सुई खा रही है, रोटी खा रही है, रोटी खा रही है, अरे सुई मैंने बेकार ही बोला, मैं तो बोलना इसके सामने सुई, चला लो गाना चला लो, बसते रहेंगे वो तो। नहीं 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 नहीं। और दोस्तों आप लोगों के लिए ना एक चैलेंज है कि ये वाला गाना कौन सा है, ठीक है, म्यूजिक आ रहा होगा आई थिंक आप लोगों को। इसे कॉपीराइट लग जाएगा इतनी देर में, तो आप लोग बताना जितने भी आपने म्यूजिक सुना है, अगर आप गढ़वाली म्यूजिक लवर हो, पहाड़ी म्यूजिक लवर हो, तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, तो कमेंट्स करना, देखते हैं किसने, तो देखेंगे कौन सही जवाब देता है, कौन सही गैस करता है। इन दोनों ने मिलके आज पूरी मॉइस्चराइजर क्रीम खत्म कर दी, आज पूरे डब्बा खाली कर, पूरा डब्बा खत्म कर दिया उन्होंने आज। सबसे बड़ी क्रीम है बायोटिक की, सबको
500 साल सबसे बड़ी अग्रीमी जब पापा वहाँ शोरूम मतलब शोरूम में थे वहाँ करोल बाग में मुझे पता है इसके बारे में पापा लगाते थे बायोटिक क्रीम बायोटिक उस टाइम हम इसको फेस पे लगाते थे और आज ये हम पैर पे लगाते अच्छा बच्चा नहीं हूँ मेरे पैरों पर लगा रही है उसके बाद चार मीस बस बच्चा हो गया बच्चा हो गया सबको लगा रही दादा को दादी को सबको चाचा को चाचा को सबको लगा रही देख लीजिएगा अब खत्म हो गई बच्चा अब नहीं है उसमें ऐसे खत्म हो गई अब नहीं है बच्चा अब नहीं है नन्नू में सबको लगा रहा दादा के अब नन्नू के फेस में लगा रही है वो नन्नू अपने गाल रगड़ रहा है तो हो चुका है सोने का टाइम आज के ब्लॉग में इतना ही और जाते जाते मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो कि हमने अभी ब्लॉग में नहीं बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा भूल गए हम लोग कि आप वहाँ से आने के बाद शेयर करें क्योंकि उसके बाद मैं सीधा कामकाज में लग गई थी तो फिर मैं भूल गई तो दोस्तों डॉक्टर ने ये कहा कि सेम जैसे अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने कहा था कि आप थोड़ा रेस्ट लेना और भारी सामान मत उठाना तो वही मेरी गायनो ने भी कहा है कि आप अपने बेबी को मत उठाना या कुछ भी भारी सामान मत उठाना प्रॉपर रेस्ट लेना और बस यही सब कहा और इस बार से उन्होंने एक पाउडर भी लिखा हुआ है जो कि मेरे हिसाब से 6 मंथ से स्टार्ट कर देते हैं सबको काशी के टाइम पे भी 6 मंथ से स्टार्ट कर दिया था उन्होंने तो अभी तो मुझे 5th मंथ चल रहा है 5th कंप्लीट होने वाला है मेरा तो ये पाउडर स्टार्ट कर दिया और पता है मैं इस पाउडर से बहुत भागती हूँ मुझे ना बहुत बेकार टेस्ट लगता है पाउडर का वैसे ही मुझे दूध पीना पसंद नहीं है अब इसको कंज्यूम करने के लिए मुझे दूध पीना पड़ेगा और ऊपर से ये डाल के बहुत गंदा टेस्ट लगता है मुझे इसका क्या करें बेबी के लिए तो करना पड़ता है तो वैसे मैं सच बता रही हूँ दोस्तों मुझे ना मेडिसिन खाना भी बहुत बेकार लगता है खासकर कैल्शियम आयरन ओहो पर क्या करें मैं तो बहुत अवॉइड करती हूँ कि जब ना मेरे को सर दर्द वगैरह भी हो रहा होता है ना बहुत तेज मैं सेरोडन और ये पेन किलर लेने से भी बचती हूँ मैं सोचती हूँ बाँह वगैरह सही चले जाए जितनी जल्दी चले जाए पेन तो प्रेगनेंसी का सबसे जो मुझे ख़राब चीज़ लगती है वो यही लगती है कि मेडिसिन लेनी पड़ती है आयरन कैल्शियम ये प्रोटीन पाउडर तो दोस्तों आप लोग बताना कि आप लोग ईजिली खा लेते हैं मेडिसिन या बस फिर मेरे ही साथ ऐसी दिक्कत होती है तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ स्वस्थ रहिए मस्त रहिए भगवान सबकी रक्षा करे सब अच्छा करे गुड नाइट शुभ रात्रि जय शंभू।